मैं ऐसा नहीं मानता. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रल इन दिस वर्ल्ड. तटस्थ कुछ नहीं होता है. जो तटस्थ होते हैं इतिहास उनसे जवाब मांगता है. जब सत्य और असत्य के बीच लड़ाई हो रही होती है, जब सत्य और असत्य एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए होते हैं, जब एक तरफ कृष्ण होता है और दूसरी तरफ कौरवों की सेना होती है, जब पांडव होते हैं और कौरव होते हैं, तो वहां तटस्थ कोई नहीं हो सकता. जो तटस्थ होता है उसे इतिहास को उत्तर देना होता है कि जब चुनने का वक्त आया था और धर्म कहता है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, तब क्यों तुम जाके मिथ्या के साथ, झूठ के साथ, फरेब के साथ, मृत्यु के साथ क्यों खड़े थे? यह इतिहास पूछता है. इसलिए आज महत्वपूर्ण है कि मंच कोई भी है, मीडिया कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, पत्रकार कोई भी हो, मैं बार बार कहता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तटस्थ होने का मौका नहीं है. त्याग दीजिए तटस्थता को, त्याग दीजिए न्यूट्रलिटी को. स्टैंड विथ ट्रुथ अलोन. सत्य के साथ खड़े होइए, मिथ्या को, चाहे वो असत्य अगर हमारे साथ भी हो तो हमें भी छोड़ दीजिए. मैं किसी भी विचारधारा का हो सकता हूं, मगर अगर मेरे विचारधारा में असत्य है, अगर मेरे विचारधारा ने गले को घोटने की चेष्टा की है, तो उसे भी त्याग दीजिए, मगर खड़े उसी के साथ होइए जो आगे चलकर आपके जीवन को सुजलाम सुफलाम बना सके. उसी के साथ खड़े होइए. इसलिए देयर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रलिटी, ये समझना अत्यंत आवश्यक है. देखिए, एक बहुत दुखद बात यह भी है कि चंद दिनों पहले, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, मैं किसी प्रकार से दो विषयों को पलड़ों में डाल करके उन पर चिंतन करूं यह उचित नहीं है. क्योंकि मंथन है, समुद्र मंथन होगा तो बहुत कुछ निकलेगा, विष भी निकलेगा. चंद दिनों पहले आप याद करिए, कर्नाटक में ठीक इसी प्रकार गोली करके एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी. दुखद था, बहुत दुखद. उनका नाम था गौरी लंकेश. चाहे वो गौरी लंकेश हो, चाहे किसी भी विचारधारा की पत्रकार हो या व्यक्ति हो, पत्रकार ही नहीं, कोई भी हो, किसी की हत्या निर्ममता के साथ, किसी की हत्या विचारधारा के कारण, किसी की हत्या होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है. किंतु दुख तब होता है जब गौरी लंकेश की हत्या होती है, हत्या होने के कुछ सेकेंड्स के बाद पूरे देश में तहलका मच जाता है, पूरे देश में ये ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दिखाया जाता है और दिखाया जाना भी चाहिए. अगर चतुर्थ स्तंभ, जैसे अभी अशोक जी ने बताया, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उस पर धक्का होता है तो बिल्कुल, अगर फोर्थ पिलर ही नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? समाचार में दिखाना चाहिए, उनका कर्तव्य है. किंतु सुदूर त्रिपुरा में अगर खुद उनके राजधानी अगरतला में ही हत्या हो जाती है तो कोई दिखाता नहीं है, कोई इस पर एक शब्द नहीं कहता है. निशब्दता, शून्य और शांति यही छाई रहती है. तब मुझे चिंतन होता है, दुख होता है कि एक ही देश में दो क्षेत्रों के प्रति इस प्रकार का विचारधारा क्यों? दोनों राज्य हमारे इस गणराज्य के राज्य हैं, सम्मानित राज्य हैं. अगर एक राज्य में एक विचारधारा के पत्रकार की हत्या होती है तो स्वाभाविक है उसके ऊपर उत्तेजना होनी चाहिए, उस पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए. मगर उसी देश के दूसरे राज्य में किसी भी विचारधारा का कोई और पत्रकार की निर्ममता से हत्या होती है, और वह भी, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या होती है, सरकार द्वारा प्रायोजित होती है. जब रक्षक स्वयं भक्षक बन जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं पत्रकारों भाइयों से, पूरे हिंदुस्तान में कहां थे तुम जब तुम्हारा अपना भाई मारा जा रहा था? कहां थे तुम? क्यों चुप थे तुम? सवाल पूछना तुम्हारा धर्म है. अगर तुम ही अपनों के मारे जाने पर चुप रहोगे तो कौन सवाल उठाएगा? आज मैं भारत के तमाम मीडिया हाउसेस से यह सवाल उठाता हूं. आपको गौरी लंकेश पर सवाल उठाना चाहिए था, आपने उठाया, हम सबको कटघरे में खड़ा किया, यह आपका दायित्व था. किंतु जब सुदीप दत्त भौमिक, देखिए सुदीप नाम कितना साधारण नाम है, कितना सहज नाम है. सुदीप दत्तो कितना साधारण है, भौमिक कितना साधारण है, जीव पे चढ़ने वाला नाम है. मगर आप जानते हैं कागज में लिख के लाना पड़ता है. क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया ने उसे इतनी बार डिबेट नहीं किया है
इतनी बार उस पर न्यूज नहीं पढ़ा है, इतनी बार छापा भी नहीं है कि बिना कागज में पढ़े हम उस नाम को याद रख सके। आप जरा सोच के देखिएगा इस बात को। आज हमें पढ़ना पड़ता है कि सांतनु भौमिक कौन से पत्रकारिता में था, वो रात दिन नामक किसी अखबार में था, किसी किसी न्यूज चैनल में था, रात दिन नामक। मैं तो आज सोच रहा था कि वो रात दिन में था, वो भी उस राज्य के सरकार में जहां रात ही रात है, दिन तो है ही नहीं। यहां एक ऐसी सरकार चलती है जहां रात ही रात है, अंधेरी रात। और देखिए ये सब कागज में लिख के प्रवक्ताओं को लाना पड़ रहा है और कनखियों से बहाने ढूंढकर नाम को पढ़ना पड़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया ने इनको महत्व नहीं दिया। कहीं भी मीडिया को यह लगा नहीं कि त्रिपुरा का इतना महत्व है, त्रिपुरा के इन दो जानबाजों का इतना महत्व है कि इसके विषय में चिंतन किया जाए। दो चिंताएं इससे होती है। क्या इसके पीछे दो कारण है या एक ही कारण है? क्या ऐसे है कि त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कहीं ना कहीं मीडिया दरकिनार करके रखती है, इनके विषय में बहुत चिंतन नहीं करती है? क्या यह कारण है? या दूसरा कारण जो प्रबल लगता है, और क्षमा करिएगा, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जोर से आई एम थिंकिंग अलाउड, मीडिया में भी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो वामपंथ का है, जो लेफ्ट को मानता है। इसमें भी पृथक पृथक करके हत्याओं को देखी जाती है, इसमें भी सिलेक्टिविज्म है। क्या यह भी कारण हो सकता है, मैं आई एम थिंकिंग अलाउड, क्या यह भी कारण हो सकता है लेफ्ट के जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि गौरी लंकेश की हत्या तो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गौरी लंकेश को फॉर्डर ऑफ थॉट बना के वो एक विचारधारा के ऊपर गलत तरीके से निशाना साध सकते हैं, किंतु अगर दो भौमिक भाइयों के बारे में बात करेंगे तो वो जिस पर निशाना साधेंगे वो स्वयं लेफ्ट का सरकार है। तो इस कारण से मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेफ्ट को बचाने की कोशिश भी हो रही है। तो मीडिया को इन दोनों पहलुओं पर चिंता करनी होगी कि आखिर भौमिक बंधुओं को क्यों नहीं दिखाया गया और बाकी सबको दिखाया जाता है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन ऑफ कन्वीनियंस है, मुझे याद है क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैं जब नया नया प्रवक्ता बना था, मोदी जी की नई सरकार बनी थी, किसी को हजम नहीं हुआ, ये मोदी जी कहां से सरकार में आ गए, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये जो लेफ्ट वाले थे और जो कांग्रेस की सरकार थी इतने वर्षों तक, इनको लगा कि द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर फॉर्मिंग गवर्नमेंट वॉज टोटली देयर्स। उनका बस मत था कि सरकार कोई बना सकती है तो ये तीन चार पार्टियों के अंदर ही एक परिवार है और ये जिसको चाहेगी वही सरकार में आ सकता है। इसलिए जब मोदी जी बने तो पहला रिएक्शन वॉज द रिएक्शन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस कि वी विल नॉट एक्सेप्ट, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, जब कांग्रेस अभी भी अपने ट्विटर हैंडल से लिखती है तू जाके चाय बेच, तेरी इतनी हिम्मत है तू प्रधानमंत्री बनेगा, तू जाके चाय बेच। तो ये मेंटालिटी अभी भी है। इस मेंटालिटी से ग्रसित होकर, इस सोच प्रक्रिया से ग्रसित होकर, इस विचारधारा के लोग, एक पार्टी के नहीं, एक विचारधारा के लोग, उसमें सभी पार्टी के लोग मौजूद हैं, लेफ्ट के भी और कांग्रेस के भी, इस विचारधारा के लोगों ने एक छद्म रूप धारण किया। दे हैड अ मैन्युफैक्चर्ड एंगर, एक छद्म क्रोध क्रिएट किया, मैन्युफैक्चर्ड एंगर। और उस पूरे प्रक्रिया में हमने देखा अवार्ड वापसी, वो टर्म कितना फेमस हुआ, अवार्ड वापसी, जिनको जीवन में कभी अवार्ड भी नहीं मिला था उन्होंने घर में जाके खोजा कि अवार्ड कहीं मिला है क्या, नहीं भी मिला है तो घोषित कर दिया कि मैंने अवार्ड वापस किया, वापस किया भी नहीं है, सब घरों में रखे हुए हैं वो अवार्ड, उन्होंने घोषित किया कि अवार्ड वापस किया है। क्यों किया वापस अवार्ड? क्योंकि अभी तक वो सह नहीं पा रहे थे कि एक व्यक्ति मेहनत करके अपने दम पर और उसी पद्धति से चलता हुआ प्रधानमंत्री नहीं बना है जिस पद्धति से आज तक राजनीति चली आ रही थी। तो स्वाभाविक रूप से एक एंगर उन्होंने कृत्रिम रूप से उसको बनाया, मैन्युफैक्चर किया, और उसका नतीजा हमने देखा कि किस प्रकार तमाम चुनावों से पहले इस प्रकार के लोग उठ उठ के आए। सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के चुनाव का रहा। दिल्ली के चुनाव से पहले इस प्रकार प्रायोजित किया गया पूरे भारतवर्ष में कि जितने भी गिरिजाघर और चर्च हैं उन सब पर हमले हो गए, अटैक हो गया। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगा इसके बाद। देखिए ऐसा हुआ, आपको याद करिए, ये चुनाव के समय, दिल्ली चुनाव के समय 52 साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का एक कन्वेंशन दिल्ली में हुआ था।
सभी राष्ट्राध्यक्ष जो साउथ अफ्रीका के थे वो आए थे और पहली बार दिल्ली में उनका साउथ अफ्रीकन कन्वेंशन हुआ था। ठीक उसी समय ये अवार्ड वापसी चल रहा था। हमारे मंत्री हैं आदरणीय नकवी जी, नकवी जी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री हैं, उनका जिम्मा लगा था कि इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष को वो एयरपोर्ट छोड़ने जाए और उनको हवाई जहाज में बैठाए। जब माननीय नकवी जी इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष को गाड़ी में लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने क्या कहा नकवी जी को पता है? उन्होंने कहा, यस्टरडे नाइट आई वॉज वेरी अफ्रेड, कल रात को मैं बहुत घबरा गया था। तो नकवी जी ने कहा, क्यों घबरा गए थे? बोले, मैं टीवी देख रहा था, मैं ली मेलबिन होटल में था, मैं टीवी देख रहा था। तो फिर क्या हुआ? बोला, टीवी में सब चैनल में देखा, सब लोग बोल रहे थे इंडिया इज बर्निंग, एवरीवन इज, देयर इज कम्युनल टेंशन, पीपल आर बीइंग किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स, गाय इज एवरीथिंग, गाय के लिए सबको मार दिया जा रहा है, लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगा पूरे देश में आग लगा हुआ है, इसलिए तुरंत मैंने सेक्रेटरी को बुला के कहा, जल्दी जाके देखो सड़क पे आग वाग तो नहीं लगा है ना, हम कल एयरपोर्ट जा तो पाएंगे ना, नहीं तो मैं इंडिया के एम्बेसी को फोन करूंगा कुछ व्यवस्था करने के लिए। तो मेरी जो सेक्रेटरी है वो बाहर गई, उसने देखा कोई आग नहीं लगा है, सब लोग कोई बर्थडे मना रहा है, कोई शादी मना रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो नकवी जी ने कहा, नहीं, ये इंडियन पॉलिटिक्स ऐसे ही है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये तो मैन्युफैक्चर। तो आप सोच के देखिए, इस प्रकार से टीवी में माहौल बनाया गया अवार्ड वापसी के नाम पर कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म कर दिया गया। और मैं एक ही बात कहता था, ये जो लोग शाम को टीवी में आके 5 बजे से कहते थे कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म कर दिया है, मैं अवार्ड वापस कर रहा हूं, वो सबसे गंदे गंदे भाषा में 5 बजे से रात के 11 बजे तक हमको गाली देते थे। मोदी जी को, अमित शाह जी को, बाकी जो भी भारतीय जनता पार्टी का सामने पड़ जाए उन सबको अभद्रता के साथ, अश्लीलता के साथ, तू चाय बेच, तू ऐसा कर, इस प्रकार से गाली देते थे। तो मैं तो हाथ जोड़ के पूछता था, भैया आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया कहां है? इतने सुबह से शाम तक तो गाली दे रहे हो, फिर कह रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया। अगर एक्सप्रेशन जाके आपका ये हाल है, और ज्यादा फ्रीडम दे दूंगा तो बस चाकू मारना बाकी रह गया है, वही करोगे आप। देखिए किस प्रकार का एक माहौल बनाया गया कि सारा फ्रीडम इन लोगों का छीन लिया गया और हम लोगों ने इनको नेस्तनाबूद कर दिया, सुबह से शाम तक हमको गाली दिया। और यहां जो हो रहा है आज त्रिपुरा में, इसको क्या कहें? एक लड़के को, सुदीप दत्तो भौमिक को आप फोन करके बुलाते हैं, आप फोन करके अपने दफ्तर बुलाते हैं, मैं देव वर्मा जी की बात कर रहा हूं, आप फोन करके अपने ऑफिस बुलाते हैं, और क्योंकि आपके खिलाफ इस पत्रकार ने कुछ घोटाले उजागर किए हैं, आप गोली करके मार देते हैं, आप गोली करके पत्रकार, ये कहीं विश्व में सोचा नहीं जा सकता है। और मैं बताऊं, ये विश्व का अकेला ऐसा केस है। और आप देखिए, चुप्पी किसी और राज्य में हुई होती ना, अगर ये भारतीय जनता पार्टी शासन के किसी राज्य में हो गया होता, भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, टीवी में और कुछ नहीं चल रहा होता, टीवी वाले इस पर ओलंपिक बना दिए होते कि इसी पे हाई जंप, इसी पे लॉन्ग जंप, इसी पे स्विमिंग, सब कुछ इसी पे होगा, किस किस को पदक मिलेगा, सारा कुछ इसी पे चर्चा होगा, और कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं, आप सोचिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो कमांडेंट है उसका काम क्या है? उसका काम है, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं उनकी रक्षा करना, ये जो मेरे बड़े बैठे हैं उनकी रक्षा करना, ये जो मेरे छोटे खड़े हैं उनकी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। हमारे रक्षा के लिए त्रिपुरा राइफल्स का निर्माण हुआ। अगर एक रक्षक केवल इसलिए क्योंकि उसके कुछ घोटालों को एक पत्रकार ने उजागर किया, बुला के उसे मार देता है, और उसके बाद इस शहर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP और SDM मिलकर इस बात पर चिंता करते हैं कि इसको किस प्रकार निपटाया जाए, 2-3 घंटे तक सत्य को सामने नहीं लाया दिया जाए ताकि हम पूरा लिपापोती कर सके, ये तो भला हो कुछ जवानों का राइफल्स के अंदर, जिन्होंने आजकल के जो माध्यम है फोन इत्यादि से पूरा विषय सामने आ गया, वरना ये तो जंगल में लेके डेड बॉडी फेंक देते और कहते ये तो एक्सीडेंट से मारा गया, जैसे उन दोनों भाइयों को मारा था 2012 में। दोनों भाइयों का नाम क्या था? रितु, रवि, लितन। रवि और लितन को जिस प्रकार 2012 में उनको लगा किसी और पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे कार्यालय के बाहर से जा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत मार दो, एक बच गया, तीनों में से एक बच गया,
उसने जब कहा कि भैया ये दोनों को तो मारा गया है, उस पर भी लीपापोती कर दी गई। ठीक उसी प्रकार की लीपापोती भौमिक की हत्या पर भी कर दी जाती। ये तो शुक्र है कि सारा विषय सामने आ गया और आज हम हकीकत को जानते हैं। बंधुओं, जब मैं यहां आया तो कुछ बातें मैंने पूछी, मुझे बताया भी गया, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक करिएगा। मुझे बताया गया कि जब गौरी लंकेश जी की हत्या हुई, जो मैंने शुरू में कहा है दुखद है, नहीं होना चाहिए, तब हमारे जो मानिक सरकार जी हैं वो बहुत वेग में थे, बहुत परेशान थे। वो लोगों ने कहा कैंडल लाइट ले लेके एकदम सड़कों पर बहुत आंदोलन कर रहे थे, कभी कैंडल लाइट लेके इधर तो कभी उधर ऐसे कर रहे थे। कैंडल लाइट लेकर, ठीक है, कैंडल लाइट लेकर गौरी लंकेश के लिए हर कोने में मानिक सरकार घूमे। मैं आज इस मन से मानिक सरकार जी से पूछता हूं, क्या आपने अपने घर में कैंडल तो छोड़ दीजिए। सुदीप दत्तो भौमिक के नाम पर एक दिया जलाया है, एक दिया जला के प्रार्थना की है, एक शब्द आपने त्रिपुरा के इस पत्रकार, इस बेटे के लिए कहा है क्या? अगर मैं गलत हूं, कहा होता मुझे क्षमा करिएगा, मैं त्रिपुरा का नहीं हूं, हो सकता है बहुत कुछ नहीं जानता हूं, हो सकता है वो कैंडल लेके सड़क पे आए हो सुदीप दत्त भौमिक के लिए, मुझे मालूम नहीं है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो यहां रहते हैं, क्या आपके मुख्यमंत्री, क्या हमारे मुख्यमंत्री मानिक सरकार एक कैंडल लेके सुदीप दत्त भौमिक के लिए सड़क पर उतरे थे क्या? क्यों नहीं उतरे? और मैं ये हट के साथ, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत का नागरिक होने के नाते मैं त्रिपुरा का भी नागरिक हूं, यहां के दुख और सुख के साथ खड़ा होना ये मेरा भी काम है और कर्तव्य है, मैं पूरे हट के साथ अपने मुख्यमंत्री से पूछता हूं कि सत्ता मैंने तुम्हें दिया है, तुमने एक दिया क्यों नहीं जलाया अपने इस बेटे के लिए? क्यों नहीं जलाया? और नहीं जलाया है तो अभी भी समय नहीं गया, कल दिया जलाओ और कल सीबीआई के हाथों इस केस को सौंपो, कल सौंपो, अभी भी समय नहीं गया। देखिए, चुनाव होता है, चुनाव में कौन आता है कौन जाता है ये अलग विषय है, वो जनता देखती है और जनता तय करेगी, मगर चुनाव से ऊपर ईश्वर बैठा है, उसकी आंखें सब देख रही है। अन्याय अगर आपने किया है तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, उसका फल भुगतना पड़ेगा। और बंधुओं, इसी प्रकार पुलिस मारती नहीं है, पुलिस भी डरती है। आज के इस लोकतंत्र में पुलिस किसी को भी इस प्रकार मार नहीं सकती है। आज के इस लोकतंत्र में इस निर्भयता के साथ, इस अधिकार के साथ कि तूने मेरे खिलाफ लिखा, मैं तेरे पेट में गोली मारूंगा, मैं तेरे पीछे गोली मार के मेरे घर में तुम्हें मार दूंगा, पुलिस इतनी निकम्मी नहीं हो सकती है जब तक मुखिया का हाथ उसके सर पर ना हो, जब तक स्वयं मुख्यमंत्री। और आज मैं कहता हूं कि मानिक सरकार जी को यह सिद्ध करना होगा कि उन्होंने तो फोन नहीं किया था, उन्होंने तो फोन नहीं किया था कि मारे दो, मार दो, मैं देखूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि सुदीप दत्त भौमिक को मानिक सरकार का भी कुछ विषय पता था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सुदीप दत्त भौमिक मानिक सरकार के खिलाफ भी लिखने वाला था, कुछ कागज इनका भी उनका इसके पास नहीं था? ऐसा तो नहीं था ना? वरना देखिए, जिस प्रकार से मारा गया है, ये तभी होता है जब बड़ा सत्ता हिलने वाला होता है, ऐसे कोई नहीं मारता। आपको लगता है ये पुलिस और ये सत्ता के बैठने वाले लोग इतने मूर्ख हैं? ये मूर्ख नहीं है साहब, ये मूर्ख नहीं है। ये अपने दुश्मनों को किस प्रकार से डील करते हैं, ये तो आपने मानिक सरकार के, मैं तो बिमल भाई की भी कहानी कहूंगा, बिमल सिन्हा का भी कहानी मैं यहां बयां करूंगा, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कहानी है। बिमल भाई की कहानी से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये तो इतने शातिर लोग हैं, ये अपने घर वालों को नहीं छोड़ते, इस प्रकार से मारते हैं अपने घर वालों को भी, अपने पार्टी और अपने विचारधारा वालों को भी इस प्रकार से मारते हैं कि किसी को जू तक न पता चले, किसी को हकीकत का कुछ पता ना चले। मगर इतने फ्रस्ट्रेशन के साथ, बौखलाहट के साथ रातों रात आपने इस पत्रकार की हत्या इसलिए करवाई, कहीं ना कहीं वो डर चुभ गया था।
अगर एक दिन भी अधिक ये बच्चा बच जाता, अगर एक दिन भी अधिक ये आदमी बच जाता, तो हो सकता है कुछ ऐसा खुलासा कर देता कि सत्ता की कुर्सी हिल जाती। इस बात का मुझे डर है, वरना मानिक सरकार जी को किस बात का भय है। अभी निकलकर इस भाषण के बाद आज रात को निकलकर वो सीबीआई की जांच के लिए सुपुर्द कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, वी हैव टू टेक द गवर्नेंस ऑफ द डे हेड ऑन। सत्य की लड़ाई आसान नहीं होती है, और त्रिपुरा के लोगों में जिनके ऊपर मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद हो, वह मां त्रिपुर सुंदरी जिसने महिषासुर का मर्दन किया हो, वो लोग डरपोक के भीरु नहीं है। उन लोगों ने आपको सहा है, समय आने पर वो लोग आपको जवाब भी देंगे। और मैं जवाब इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि देखिए, मैं आपको सच बोलूं, मैं त्रिपुरा के बारे में अधिक नहीं जानता था, मगर जैसे जैसे राजनीति में कदम आगे बढ़े, जैसे मुझे त्रिपुरा में बुलाया गया और मैंने पता लगाया आपने त्रिपुरा के बंधुओं से, जो जो कहानी मुझे बताया गया वो कहानी दिल को दहला देने वाले थे। मुझे बताया गया कि आज से लगभग 20 वर्ष पहले 1998 में जब मानिक सरकार मुख्यमंत्री बने पहली बार के लिए, उस समय उनसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए उन्हीं के वैचारिक परिवार के भाई उनके सरकार में बाद में मंत्री बने, विमल सिन्हा ज्यादा प्रसिद्ध थे। शायद उनके खुद के पार्टी के अंदर उनके विधायकों की इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने, ऐसी इच्छा थी, मगर वो हो नहीं पाया। यहां सब मैनेज होता है पॉलिट ब्यूरो में, आप तो जानते ही हैं। उसके बाद मानिक सरकार मुख्यमंत्री बनते हैं, विमल सिन्हा जी की हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी जाती है। आश्चर्य इस बात का है कि उसके बाद भी अपने ही इतने महान नेता के हत्या के पश्चात खुद किसी प्रकार का जुडिशियल इंक्वायरी करने की इच्छा नहीं रखते हैं, बार बार दूसरे लोगों द्वारा आंदोलन करने के पश्चात जुडिशियल इंक्वायरी करते हैं। बरसों तक जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती है, बहुत आंदोलनों के बाद अब जाके जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, उसमें भी घालमेल लगता है। जब मैंने इस विषय पर पता लगाया तो मुझे बहुत विश्वस्त लोगों ने कहा कि विमलदा के परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई कि आखिर क्या माजरा है। उन्होंने कहा मारा गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, विमलदा को मारा गया है। तो इन्होंने कहा फिर जुडिशियल इंक्वायरी में अपने हकीकत क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा कहां से बताए, पॉलिट ब्यूरो जो लिख के देती थी हम वही जाके जुडिशियल इंक्वायरी में पढ़ के आते थे। पॉलिट ब्यूरो उन्हीं के मंत्री के पत्नी और बाकी सदस्यों को जो लिख के दे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पति मर गया है, पत्नी को चिट्ठी पकड़ा दी जाती है, ये जाके पढ़ना है जुडिशियल इंक्वायरी के सामने। वो पत्नी क्या करेगी, उस पत्नी ने कहा अरे भैया दादा इतने इतने पावरफुल थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनते, अगर सरकार इसको मार सकती है तो मेरे छोटे छोटे बच्चों की क्या औकात है। मैं सच बोलूंगी तो ये छोटे छोटे बच्चे मार दिए जाएंगे, मां क्या करी, पति गया बच्चों को तो बचाऊं। इस भाव के साथ उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तिलांजलि दी। अरे धिक्कार है लेफ्ट वालों, बुरा मत मानिएगा, मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। मुझे न्यूट्रल रहने के लिए बार बार कहा गया है, मगर मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे क्षमा करिएगा, मगर मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता, धिक्कार है। अगर अपने परिवार के लोगों की तिलांजलि इस प्रकार से देने पड़ रही है ताकि वो लोग सत्ता का सुख भोग सके, जो लोग बाहर हवाई चप्पल पहन के कहते हैं कि हमें सत्ता नहीं चाहिए और केवल सत्ता भोग के लिए अपने परिवार के सदस्यों की हत्या। अभी चंद दिनों पहले मुझे यह भी बताया गया, मैं बचपन की बोल रहा हूं क्योंकि त्रिपुरा के बहुत कुछ को मैं जानता नहीं हूं ना, मगर फिर भी जो जानता हूं मैं आपकी आंखों से पढ़ ले रहा हूं कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। चंद दिनों पहले मनोरंजन आचार्य करके एक विधायक है सीपीआईएम, इस व्यक्ति ने अपने ही कार्यालय में अपने ही एक मित्र, अपने ही विचारधारा के किसी पार्टी के सदस्य के नातिन के साथ दुर्व्यवहार किया। 7-8 साल की बच्ची होगी, अपने ही कार्यालय में दुर्व्यवहार किया और यह विषय को पहले ही छुपा दिया गया। ये लेफ्ट पार्टी इस प्रकार डब्बे में बंद करके छुपा देते हैं हकीकत को, यह बात बिल्कुल आप सोच के देखिए। सब कुछ हो रहा होता है और इस प्रकार बंद करके छुपाए रखते हैं, छुपा के रखा कि ऐसा कुछ कार्यालय के अंदर हुआ था। मगर आज का जमाना जैसा है, मैंने बताया था सुदीप की भी विषय को छुपाने की कोशिश की गई थी, मीडिया का जमाना है, नेट और सोशल मीडिया का जमाना है, तो सब कुछ सामने आ ही जाता है। यह विषय भी सामने आया, यह विषय सामने के आने के बाद जिस प्रकार से उन्हें निलंबित तो किया गया,
अरे आपने मोलेस्टेशन किया है तो केवल निलंबित करना यही सजा है क्या? या कानून केवल आम लोगों के लिए है और आपके लिए कोई कानून नहीं है? निलंबित तो किया गया, मगर मुझे बताया गया कि जिसके घर की वो बच्ची थी वह भी सीपीआईएम परिवार था, वो मुकर गए। कि हो सकता है मेरी नातिन झूठ बोल रही हो, मगर ठीक है। देखिए ये जघन्य अपराध है। कोई विचारधारा किस काम का, लेफ्ट हो या राइट हो, मिडिल हो या अप हो या डाउन हो, कोई भी विचारधारा किस काम का, यदि पति की हत्या हो जाए, अगर छोटी सी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो जाए और आप अपने विचारधारा को बचाने के लिए अपने घर में पति और बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं, तो ये विचारधारा किस काम की? विचारधारा चाहे कोई भी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा हो, चाहे महात्मा गांधी की विचारधारा हो, चाहे राम मनोहर लोहिया की विचारधारा हो, यह मैं भारतीय विचारधाराओं की बात कर रहा हूं, मैं विदेश की विचारधाराओं की बात नहीं करता। मैंने अभी पूछा विप्लव भाई से कि विप्लव भाई ये मुख्यमंत्री कहां रहते हैं, उन्होंने कहा कोई मार्क्स एंजल रोड पे रहते हैं। मैंने कहा ये कौन है? कार्ल मार्क्स। मैंने कहा भैया ये कार्ल मार्क्स यहां पर त्रिपुरा में क्या कर रहे हैं? ना है, उनका भी है, उनका भी रोड है। नहीं तो मानिक बाबू से ये पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है आपके विचारधारा है, आपके लोगों के नाम पे रोड रखना कोई बुरी बात नहीं है, आप ज्योति बसु के नाम पे रख देते, आपके खुद के प्रथम मुख्यमंत्री 10 वर्षों तक रहे वो लेफ्ट के थे, उनके नाम पे रख देते, क्या बुराई है? कम से कम हिंदुस्तान के नाम पे तो होता। ये कार्ल मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स आप सोचिए, मतलब इन लोगों की विचारधारा को देखिए। और मैंने ये भी सुना है कि मानिक सरकार जी ने कहा कि भारत दादागिरी करता है, ये जो छोटे छोटे देश हैं ये सब बांग्लादेश इत्यादि पे हम दादागिरी कर रहे हैं, और वो भी फॉरेन डेलीगेशन के सामने कहा। और यह भी कह रहे थे कि ये भारत इतना जेलसी क्यों फील कर रहा है, इतना जल क्यों रहा है। तो क्या हुआ जो चाइना ने थोड़ा सड़क बना दिया? तो क्या हुआ जो चाइना ने थोड़ा सड़क बना दिया, भारत क्यों जल रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता है, ना तो मानिक सरकार समझ में आ रहे हैं, ना राहुल गांधी समझ में आ रहे हैं। नहीं मुझे सच में ये भैया मोदी जी को हराना है, आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहना है, उसका अर्थ ये तो नहीं है जाके आप चाइना से हाथ मिला लें, आप पाकिस्तान के विषय में कहने लगे। ये आप सुषमा जी के भाषण को आपने सुना होगा डोकलाम के विषय में, जब आदरणीय सुषमा जी ने संसद में कहा था तो उन्होंने एक विषय रखा था, उन्होंने कहा था कि कारगिल के युद्ध के समय जब पूरा विषय सामने आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला काम जो किया, उन्होंने कहा विपक्ष के सारे नेताओं को बुलाओ, विपक्ष के सारे नेताओं को मेरे घर पे बुलाओ, इससे पहले कि मैं अपने पार्टी के लोगों को बताऊं, पहले विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेता हूं क्या क्या हो रहा है, विपक्ष के सहमति के बाद हम सारा काम करेंगे। तमाम विषय को विपक्ष के सामने रखा गया। सुषमा जी ने कहा कितना अच्छा होता जब डोकलाम का विषय चल रहा था और ऑपोजिशन को किसी प्रकार का प्रश्न था, राहुल जी के कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार का संशय था, तो हमसे पूछ लेते, मोदी जी आप बताइए डोकलाम में क्या हो रहा है, सुषमा जी हमें बताइए डोकलाम में क्या हो रहा है। अरे उंगली पकड़ के लेके घर में पूरा चित्र बना के आपको समझाते, बाद में समझाएगी, मगर दुश्मनी इतनी थी कि हमसे नहीं पूछे, जाके चाइनीज एनवॉय से पूछा, जाके चाइनीज एम्बेसडर से पूछा, भैया ये इंडिया क्या कर रहा है आपके साथ, ये इंडिया, अरे आपको इतनी नफरत है अपने ही प्रधानमंत्री से कि जाके चाइना के दूत से पूछ रहे हो कि इंडिया क्या कर रहा है। और मानिक सरकार जी को अपने ही भारत से इतनी नफरत है कि वो भारत को ही दादागिरी बता रहे हैं। मानिक जी ये भारत है तो आप हैं, ये भारत है तो मानिक सरकार है, अगर भारत नहीं है तो मानिक बेकार है, याद रखिए। भारत सच बात है, ये हम सबके लिए, ये भारत है तो मैं यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये भारत है तो हम सब बैठे हुए हैं, ये भारत है तो आप ताली बजा रहे हैं। जिस दिन ये भारत गया ना, जिस दिन ये क्या चाहिए, भारत के 100 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो कन्हैया कुमार जेएनयू वाला साथ में खड़े हुए थे सारे जाकेले पुराने, इनके सबसे बड़े लीडर आजकल कन्हैया कुमार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ये सारे शर्मिंदा क्यों है,
कि अफजल के कातिल जिंदा है। कौन है अफजल के कातिल? ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अफजल गुरु को फांसी दिया और वो जजेस जिंदा है, इसलिए इन सारे लेफ्ट वाले शर्मिंदा है। ये सब शर्मिंदा है, इनको इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। मुझे बताया गया कि यहां पर घोटाला हुआ है 10,323 टीचर्स का, 10,323 पूरा नंबर याद है कि बच्चे को यहां पर, कि ऐसे 10,000 11,000 नहीं बोलना है, 10,323 इतने लोगों को जो कष्ट हुआ है वो 31। हम नए साल में पटाखा फोड़ेंगे, नए साल में कोई पिकनिक बनाएगा, मगर नए साल में 10,333 लोग, 23 लोग वो नौकरी से च्युत हो जाएंगे, वो नौकरी से हट जाएंगे। दुखद विषय। मुझे बताया गया कि उसमें जब सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया तो हाईकोर्ट ने कहा दिस इज अ क्रूएल जोक बाय द गवर्नमेंट ऑन द यूथ ऑफ त्रिपुरा। ये बड़ा क्रूर मजाक था त्रिपुरा के नौजवानों पर। तो मानिक सरकार के लोगों ने और लेफ्ट के लोगों ने कहा ये तो आरएसएस द्वारा मैनेज्ड है सुप्रीम कोर्ट, ये तो संघ भी इसको खरीद लेती है। आप देखिए इस प्रकार लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, शर्मिंदा है कि ये जिंदा है, भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे, ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए आपको। मैं मानिक सरकार जी से पूछना चाहता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो होता है जब आपसे लोग सवाल पूछें, उनका फ्रीडम होना चाहिए, उनको वो आजादी होनी चाहिए कि वो रोज वैली स्कैम के बारे में आपसे पूछ सके। कि ये रोज वैली स्कैम में तो आप ही कह रहे थे, आप ही कह रहे थे कि बहुत बढ़िया कंपनी है, मैंने पार्क का इनॉग्रेशन कर दिया है, ये तो 700 करोड़ वाली कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जब पकड़ी गई तो आप ही ने कहा नहीं 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 सीबीआई से जांच कराऊंगा, सीबीआई से जांच तक नहीं कराई। बाद में कहा गलती से नाम छूट गया होगा लिस्ट में, गलती से नाम छूट गया होगा, ये तो शुक्र है बाकी पार्टियों ने बहुत हंगामा मचाया तो लिस्ट में नाम ऐड किया, और ऐड करके कहा 1,00,000 से कम पैसे का है घोटाला, 1,00,000 से कम पैसे का है। बताइए चिड़िया चुग गई खेत, 15,000 को बता रहा है, मुझे इतना पता नहीं, 1,00,000 से कम है, ज्यादा बड़ा बता दिया, 1,00,000 से कम तो बहुत बड़ा होता है। 15,000 का घोटाला किया, और कितने अच्छे हैं मानिक जी, उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया, 15,000 का घोटाला सीबीआई को सौंप दिया, चिड़िया चुग गई खेत, तो वो सीबीआई देखेगी नहीं। बाद में जब विधानसभा में पूछा गया कितने का घोटाला, 98 करोड़ का घोटाला, और अब जब पूछा गया तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे किसी मंत्री ने बोला है कि 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, 35,000 करोड़, कमाल, 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आलम देखिए, जब सवाल पूछते हैं कि अभी तक सीबीआई के पास क्यों गया तो कुछ उत्तर नहीं है, गोली मार देते हैं, कोई उत्तर नहीं, गोली मार दो बस। देखिए सबका उत्तर देना होगा, जब भी अति होता है अति के बाद इति भी होता है, और आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर अगर पूरी रात भी बात की जाए तो ये भाषण समाप्त तो होने वाला नहीं है। मैं आज करप्शन के बारे में, मैं इस सरकार को तो कहता हूं कि ये क्राइम करप्शन और कैद की सरकार है, 3 C's, क्राइम करप्शन और कैद, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आपको अपने जीवन को एक्सप्रेस करने से इन्होंने कैद करके रखा है। देखिए मैं उड़ीसा से हूं, उड़ीसा बंगाल त्रिपुरा यहां के लोगों का एक गुण होता है, मैं बोल लूं फिर आप जरूर पूछिएगा, उड़ीसा बंगाल और त्रिपुरा के लोगों का और आसाम, इन चारों सिस्टर राज्यों का एक गुण होता है, वहां के लोग संतोषी होते हैं, बहुत संतोषी होते हैं, जीवन में अधिक नहीं चाहते, बहुत अब वो आशुतोष होते हैं, वो शिव होते हैं, वो कुछ भी कपड़े दे दो, थोड़ा सा खाना, वो एक चीज करते हैं, जैसे वो क्या करते हैं सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, नाश्ता में बैठे बैठे चिंता करेंगे लंच में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, माछ थोड़ा चिंगड़ी थोड़ा सा बॉडी चूरा थोड़ा बैंगन बैगनी, हाँ पूरा मेनू लंच का जो है वो नाश्ते में बन जाता है। लंच में खाते खाते 4 बजे सो के उठ के चाय के साथ क्या होगा, वो भी बन जाता है कि थोड़ा मूढ़ी के साथ प्याज डाल के और थोड़ा पकौड़ी होने से हो गया, झालमूढ़ी पकौड़ी हो गया, 4 बजे पकौड़ी खाते खाते रात में क्या खाना है इसका भी मेनू बन जाता है। मेरी माएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटी बहनें बैठी हैं,
मेरी माँ तो खुद बोलती है हम ईस्ट की जो पूर्व की महिलाएं हैं उनका पूरा जीवन खाना और खाने के मेनू के इर्द गिर्द बीत जाता है। पूरा जीवन सुबह से रात तक खाली खाना और खाने का मेनू। आजकल बदल रहा है मगर ये हमारे पूर्व भारत की सच्चाई है। हम सब एक ही जीवन में हमारा लक्ष्य होता है थोड़ा अच्छा खाएं। अच्छा खाएं उसका अर्थ नहीं बहुत पैसा खर्च करें, अच्छा खाएं का अर्थ होता है वो बाड़ी, बाड़ी था कि जो घर के पीछे जो आंगन है जो बाड़ी है, बाड़ी बोलते हैं ना, हाँ भोजन विलासी ठीक बोलिए आपने, तो बाड़ी है ना वो, बाड़ी में कोई साग हुआ है कोई पत्ता हुआ है कोई मछली वहां, हाँ कोई साग हुआ है कोई पत्ता हुआ है कोई मछली वहां से कैनाल से उसको पकड़ लाओ फ्रेश बनाओ वही खाओ, कोई पैसा खाना खर्चा नहीं करना उसमें, अच्छा बनाना अच्छा खाना खूब खाना, इतना ही है ईस्ट के लोगों में। बाकी जीवन का एस्पिरेशन बहुत कम है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाना है, बहुत बड़ी गाड़ी होनी है, घर 5 मंजिला होना है, रात को क्लब में डांस करना है, ये नहीं होता है, बहुत हमारे एस्पिरेशन नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं और मोदी जी के इस भाव को आगे बढ़ाता हूं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और जिनका दूत बन के मैं आपके साथ खड़ा हूं आज यहां पे, उनकी एक ही इच्छा है, जब पूर्व भारत पश्चिम भारत की तरह आगे बढ़ेगा, जब पूर्व भी उतना ही संपन्न होगा जितना पश्चिम धनाढ्य दृष्टि से है, रिसोर्सफुल दृष्टि से है, डेवलपमेंट की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से है, तब भारत समग्रता के साथ आगे बढ़ेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ इतनी विनती करता हूं, थोड़े सपने देखिए, संतोषी भी रहिए, ये बैलेंस करिए, पूरा अपना छोड़ मत दीजिए सब कुछ, थोड़े सपने देखिए। ये मानिक सरकार और बहुत सारी सरकारें पूर्व में हमारा फायदा इसलिए उठाती है क्योंकि पूर्व के लोगों को बहुत कुछ चाहिए नहीं, उनके बहुत सपने नहीं होते। इनमें से कोई भी सरकार पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में टिक नहीं पाएगी क्योंकि वहां सपने होते हैं। जहां सपने होते हैं, जहां कारोबार होता है, वहां पे बिना विकास के एक पल भी कोई टिक नहीं सकता है। अरे मैं आज ऊपर से हवा से देख रहा था, रबड़ ही रबड़, रबड़ ही रबड़ के पेड़ दिख रहे थे चारों तरफ। कितनी रबड़ की फैक्ट्री है यहां पर, कितनी रबड़ की फैक्ट्री है, एक भी फैक्ट्री नहीं खोला। अरे फैक्ट्री खोल देंगे तो आप सब संभ्रांत हो जाएंगे, फैक्ट्री खोल देंगे तो कार खरीद लेंगे, फैक्ट्री खरीद देंगे तो किसी का बेटा लंदन पढ़ने चला जाएगा, फैक्ट्री खोल देंगे तो आप दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे तो CPIM के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त नहीं होने देना है आपको, इनके जंजीरों में ये बांध के रखेंगे और आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी छीन लेंगे। एक तिहाई वेतन पे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी करवाएंगे और आप आवाज तक उठा नहीं पाएंगे। क्यों डरते हो, क्यों डरते हो, ये सवाल मेरा आपसे है। एक ना गोली मारे सो मारे, ये हर दिन मरने से अच्छा है एक बार मर जाना, हर दिन मरने से अच्छा है एक बार मर जाना। और सीना चौड़ा करके तो दिखाओ, सर उठा के तो दिखाओ, अगर सीना फौलाद का ना हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। गोली आएगी, गोली छू के चली जाएगी, गोली तुम्हें भेद नहीं पाएगी, एक बार निडर होके तो दिखाओ, झुकना नहीं है। एक तिहाई वेतन, मुझे नहीं पता मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, मुझे लोगों ने बताया एक तिहाई वेतन पे आपसे काम कराया जाता है सरकारी नौकर। यहां आपका 4th पे कमीशन चलता है, पूरे भारतवर्ष में 7th पे कमीशन चला गया। हॉस्पिटल में मलेरिया के मेडिसिन, स्पूरियस ड्रग्स, नकली दवाई भेजते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मुझे मेरे डॉक्टरों ने यहां से फोन करके आज से 3 महीने पहले कहा कि नकली दवाई दी जाती है, मगर संबित भाई मैं कह नहीं पा रहा हूं किसी को क्योंकि कहूंगा तो सरकारी नौकर हूं मैं यहां पे। मेरे साथ पढ़ने वालों ने मुझे कहा, कुछ डॉक्टरों ने हिम्मत दिखाई, कुछ डॉक्टरों ने कहा कि लोग मर रहे हैं, ये दवाई नकली है, इससे काम नहीं चलेगा। बंधुओं ये डर किस काम का, और आज आप मुझसे लिख के लीजिए ये असत्य, ये गोली, ये हिंसा, जिस प्रकार से मौत के मुंह ये दो लोग उतारे गए हैं, इनका जीवन साया नहीं जाने वाला, इनका जीवन बेकार नहीं होने वाला, ये जाया नहीं होगा, इनकी आत्मा ऊपर से देख रही है। सत्य की सरकार बनेगी, आपके बदौलत बनेगी, आप उठ के खड़े होंगे और उसके बाद त्रिपुरा में भी निर्भयता से
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर पहलू में जीवन का होगा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।